दोस्तों आज हम बताएंगे बहुत ही पावरफुल नुस्खा जो है नामर्दी को दूर करने के लिए ज़बरदस्त। चाहे आपने कितना इलाज कराया हो, अगर आपको ये समस्या है या आपके किसी मिलने वाले को है तो आप इस दवा को उसको बना कर दे सकते हैं या आप उनको बता सकते हैं कि आप इस दवा को तैयार करें और फिर आप देखें 7 दिन के अंदर या ज़्यादा से ज़्यादा 21 खुराकें इसके लेने से हर तरह की नामर्दी गारंटीड दूर हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हकीम असरफ, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा पावरफुल नुस्खा जो नामर्दी के लिए, यानी जिनको जो सेक्स की इच्छा है वो बिल्कुल कम हो चुकी है या ख़त्म हो चुकी है, और इतना आसान वो नुस्खा है। अगर आप उसको तैयार करते हैं और उसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो उससे आपको जो आपकी शिकायतें सुस्ती नामर्दी ये बिल्कुल दूर हो जाती है। और इस नुस्खे को आप तैयार भी करें और इसको यूज करने के बाद कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि बहुत से लोगों को यकीन तब आता है जब अगर आप दवा इस्तेमाल करते हैं, आप उसमें कमेंट करते हैं तो लोग समझते हैं कि वाकई जो दवा मैंने बताई है ये ठीक दवा है। हालाँकि मैंने इस चैनल पर बहुत सी वीडियो बना रखी हैं, जितनी भी जो वीडियो हैं सारी सही हैं, उनके अंदर कोई भी ऐसी गलत जानकारी नहीं है जो आपके काम नहीं आएगी या उसके आपको कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि जो दवाओं का काम है ये मेरा ही नहीं, ये हमारा ख़ानदानी काम है। तो बहुत से नुस्खे हमारे पास ऐसे हैं जो एक से बढ़कर एक हैं, तो उसी में से एक नुस्खा है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप इस नुस्खे को नोट करें, इसको लिख के रखें और आप इसको तैयार भी करें, जिसको ज़रूरत है आप उसके लिए इसको बना सकते हैं या फिर आप अपने पर्सनल के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो नुस्खा क्या क्या इसके अंदर आपको डालना है, किन किन दवाओं से तैयार होता है, क्या इसका तरीका है फिर यूज करने का। फ़ायदे की मैंने आपको बता दी, ये हर तरह की नामर्दी के लिए बहुत ही पावरफुल दवा है। नामर्दी जिनको इरेक्शन कम आता है, जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की शिकायत हो, यानी हमबिस्तरी के टाइम पर तनाव कम आता है या बिल्कुल नहीं आता, तो आइए पहले नुस्खा नोट कर लेते हैं। सबसे पहले जो आपको चाहिएगा वो इसमें चाहिएगा सिमुलपार सफ़ेद, ये आपको लेना है 2 ग्राम। बहुत से लोग ये कमेंट करेंगे सिमुलफार तो ये ख़तरनाक दवा है, ये जहरीली दवा है, इसका हम निचोड़ बाद में आपको बताएंगे कि इसका बदल क्या है, जो इसका जहर होता है किसको किस तरह दूर किया जाता है। इसके बाद दूसरी दवा जो आपको लेनी है वो है इलायची के जो दाने होते हैं, छोटी इलायची के बीज आपको लेने हैं 3 ग्राम। इसके बाद तीसरी जो दवा आपको लेनी है वो लेना है आपको कत्था सफ़ेद, जो आपने देखा होगा पान वगैरह में उसका इस्तेमाल किया जाता है, कत्था सफ़ेद आपको लेना है 4 ग्राम। नंबर 4 जो आपको लेना है वो है बुलेठी, या इसको असल सोस कहते हैं। इन चारों दवाओं को आपको बिल्कुल पाउडर बनाना है, क्योंकि जितनी बारी के दवा होंगी उतना ही आपको ये फ़ायदा देंगी। अब इसको आप तैयार इस तरह करेंगे, आपको लेना है अदरक का रस। अदरक सभी लोग जानते हैं, अगर आप नहीं जानते तो ये आप यहाँ देख सकते हैं, इसको अदरक बोलते हैं। यह आपको ताज़ा लेनी है, इनका रस आपको निकालना है 100 ग्राम। अब 100 ग्राम जो रस आपने निकाला है और जो आपकी 4 दवा पहले कपड़छन हो चुकी हैं, बारीक पाउडर हो चुकी हैं, इनको खरल में डालना है और आपको अरक डालते रहना है और इसको खरल करते रहना है, यानी इस दवा को जब तक खरल करना है जब तक आपका जो अदरक का अरक है पूरा इसके अंदर जजब ना हो जाए। जब पूरा अच्छी तरीके से जजब हो जाता है और जब ये आपको लगे कि गोली बनने के लायक हो चुकी हैं, फिर आप इस दवा की मूंग के दाने के बराबर, मूंग का जो दाना होता है आप यहाँ देख सकते हैं, मूंग के दाने के बराबर आपको इसकी गोलियाँ तैयार करनी है। ये जो दवा है ऐसी दवा बनेगी बहुत ही पावरफुल और कई लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। एक बार आप इसको तैयार करेंगे, मेहनत ज़रूर लगती है क्योंकि कोई भी दवा है अगर आप उसमें मेहनत करते हैं तो उसके रिजल्ट भी उस हिसाब से मिलते हैं। और ये आप समझ लो इस बात को, जो संख्या होता है इसमें आप जितनी मेहनत करेंगे, इसको जितना ज़्यादा खरल करेंगे उतना ही आपको बेहतर रिजल्ट देगा। और संख्या पावर को बनाने के लिए एक नंबर 1 दवाओं में से एक दवा है। लेकिन इसको जब आप तैयार करें, इसमें खरल में आपको आलस नहीं करना है, जितनी आप इसमें मेहनत करेंगे उतना आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरीके से आपकी दवा तैयार हो जाती है। जब आप इसको गोली तैयार कर लेते हैं तो इसको आप छाया में सुखा लें
और इसको जब सूख जाए पूरी अच्छी तरीके से तो किसी डब्बे वगैरह में भर कर रख लें और आपकी दवा तैयार है। अब बात करते हैं आप इसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे। इसका जो तरीका है, जब आप सुबह में नाश्ता करते हैं, नाश्ते में आप कुछ चिकनी चीज़ ज़रूर खाएं। जब भी आप नाश्ता करते हैं, चाहे आप जलेबी का इस्तेमाल कर सकते हैं या मक्खन का इस्तेमाल कर सकते हैं या हलवा वगैरह बनाकर भी खा सकते हैं, नाश्ते के 15 से 20 मिनट बाद आपको एक गोली लेनी है जो आपने तैयार की है। एक गोली आपको नाश्ते में लेनी है एक गिलास दूध के साथ, और आपको डेली इसी तरह 2 हफ्ते या ज़्यादा से ज़्यादा 3 हफ्ते तक इनका इस्तेमाल काफ़ी होता है हर तरह की सुस्ती और नामर्दी को दूर करने के लिए। इस तरह अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो नपुंसकता की जो शिकायतें, नामर्दी की जो शिकायतें, वो बिल्कुल दूर हो जाती है। और जब भी आप इन दवाओं का जो इस्तेमाल करते हैं, इनके दौरान आप तली चिकनी चीज़ें, खटाई की जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल ना करें, और इस पीरियड के अंदर जितना हो सके घी दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करें। तो ये एक ऐसा पावरफुल नुस्खा है, जब आप इसको बनाएंगे तभी आपको समझ में आएगा कि वाकई जो ये मैंने नुस्खा बताया है कितना पावरफुल है। और अगर आप इसको इस्तेमाल करें, बल्कि मैं ये कहता हूँ अगर आप वाकई दवाओं की तलाश करते हैं तो इस नुस्खे को आप ज़रूर तैयार करें, और जब आप इसका इस्तेमाल कर लें तो उसके बाद कॉमेंट भी ज़रूर करें कि ये नुस्खा किस तरह सही आपको लगा है, कितना आपको फ़ायदा मिला है, कितना नहीं मिला है। ये ऐसा नुस्खा है, इसको आम लोग भी तैयार कर सकते हैं, और जो हिकमत से जुड़े हुए लोग हैं वो भी इस दवा को बनाकर अपने मरीजों को दे सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।